Assalamualaikum viewers, मैं हूं आपके साथ शुजात अली एंड टुडे द टॉपिक दैट आई हैव सिलेक्टेड फॉर यू दैट इज टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द डिफरेंस. मैं आपको फर्क बताने जा रहा हूं किसका, फ्रेज, इडियम और प्रोवर्ब. ये तीन बहुत अहम टॉपिक हैं. इसमें अक्सर स्टूडेंट परेशान होते हैं कि फ्रेज क्या होता है, इडियम क्या होता है और प्रोवर्ब क्या होता है. आज इस तरीके से क्लियर करेंगे कि कभी भी भूलेंगे नहीं. लेट्स क्लियर नाउ. सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रेज क्या है, ठीक है ना. तीनों की डेफिनेशन और तीनों की एग्जांपल्स लिख के उसके बाद तीनों में डिफरेंस देखें कि वहाँ पे क्या बता रहा है, वहाँ पे क्या बता रहा है, वहाँ पे क्या बता रहा है, तो फिर आसानी से क्लियर हो जाता है, ठीक है. और मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा इनको याद करने की. देखें, सबसे पहले आते हैं फ्रेज की तरफ. फ्रेज क्या होता है, एक तो एक चीज़ याद रखनी है आपके, तो फ्रेज में वर्ब नहीं होता. क्या? वर्ब नहीं होता, ठीक है. अभी हम देखते हैं, फ्रेज एक लफ्ज़ों का मजमू होता है. ये क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाजों का मजमुआ होता है, ठीक है. अब ये विच गिव्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. ये लफ्जों का इसमें फ्रेज में दो या तीन या इससे ज्यादा वर्ड्स होते हैं, वर्ब नहीं होता. इसमें दो या तीन से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं जो मतलब देते हैं लेकिन पूरा मतलब नहीं देते. पूरा मतलब कैसे नहीं देते, अभी मैं आपको बताता हूँ. जैसे मैं कहता हूँ इन द कार, कार में. अभी ये क्या है, आप देखें इसमें कोई वर्ब है नहीं है, तो इसका मतलब है इन द कार क्या है, ये फ्रेज है, ठीक है. जैसे मैं ये कहूँ कि ऑन द वॉल, ऑन द वॉल, ये क्या है, फ्रेज है. ऑफ माई ब्रदर, अब ये भी क्या बना, फ्रेज बना, ठीक है. अभी आमतौर पे जो जुमला कहते हैं आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, तो उसमें फ्रेज क्या है, लास्ट में जो टू स्कूल है वो क्या है, फ्रेज है. जरूरी नहीं है कि फ्रेज में चार वर्ड आए या पांच आए या छह आए, दो वर्ड भी आ सकते हैं, ठीक है. अभी फ्रेज क्या है, इन द कार, ऑन द वॉल, ऑफ माई ब्रदर, टू स्कूल. अभी मैं ये कह रहा हूं फ्रॉम हैदराबाद, हैदराबाद से, अब ये भी क्या हुआ, ये भी फ्रेज है, ठीक है. ये तो फ्रेज, फ्रेज में क्या होता है, दो या इससे ज्यादा वर्ड आते हैं जो मतलब देते हैं लेकिन पूरा मतलब नहीं देते. सर किसने कहा कि पूरा मतलब नहीं देते हैं, फ्रॉम हैदराबाद तो हैदराबाद से पूरा मतलब तो आ गया, बाकी क्या. लेकिन देखें अब समझिएगा, इन द कार मतलब कार में, भाई कार में कौन है, कार में पता नहीं है, इसीलिए ये फ्रेज है. फ्रेज लफ्ज तो है, मीनिंग तो दे रहा है ना, मतलब भी दे रहा है लेकिन पूरा मतलब दे रहा है नहीं दे रहा. अभी देखें ऑन द वॉल, दीवार पे, दीवार पे है क्या पता नहीं है, तो ये क्या बना, फ्रेज बना. मतलब दे रहा है, मीनिंग दे रहा है लेकिन पूरा मतलब नहीं दे रहा, तो इसे कहेंगे हम फ्रेज. अभी हम आते हैं इडियम की तरफ के, इडियम क्या होता है. इडियम के एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, इडियम होता क्या है, आप हैरान रह जाएंगे जब इसको सुनेंगे. तो देखें इडियम में, देखें इडियम एक एक्रोनाइम है. इडियम क्या है, एक्रोनाइम. एक्रोनाइम का मतलब है, ये देखें आईडी का मतलब होता है आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, ठीक है. आई का मतलब क्या होता है, इन, और ओ का मतलब क्या होता है, अदर. एम का मतलब क्या होता है, मीनिंग. आइडेंटिफाई इन अदर मीनिंग, इसका मतलब ये है कि किसी और मीनिंग में निकालना, मतलब लफ्जों की जो अपनी मीनिंग है वो नहीं, किसी और मीनिंग में, मतलब कोई और मीनिंग, अपनी मीनिंग निकालना, तो उसे कहा जाता है इडियम कहा जाता है. कैसे, कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं. जैसे मैं ये कहूं कि ही इज इन हॉट वाटर, अब ये जुमला लिखा ही इज इन हॉट वाटर, अभी इन हॉट वाटर क्या है, गर्म पानी में नहीं. ही इज इन हॉट वाटर का मतलब है वो गुस्से में है, तो अभी इन हॉट वाटर क्या है, इडियम है. इडियम क्यों है, तो आप ये मिसाल देंगे इन हॉट वाटर का जो लिटरल मीनिंग है वो है गर्म पानी में, लेकिन हम अपनी मीनिंग निकालते हैं. अपनी मीनिंग कौन सी निकालते हैं, गुस्से में. तो लफ्ज कुछ और हो, उसका मतलब कुछ और निकालें, तो उसे कहा जाता है इडियम, ठीक है. अभी जैसे मैं एक और वर्ड कहता हूं, पिक द बकेट. बकेट का मतलब होता है बाल्टी,
किक द बकेट मतलब बाल्टी को लात मारना, ऐसा नहीं होता, बाल्टी को लात मारना नहीं, किक द बकेट का मतलब होता है डाय, मरना, ठीक है। किक द बकेट का मतलब क्या होता है डाय। इस तरीके से देखें तीसरा जुमला मैं बताता रहूं आपको। अभी जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ही वॉज एट सी, वो दरिया पे था। ही वॉज एट सी का मतलब होता है वो तन्हा, वो अकेला था। एट सी का मतलब क्या है, तन्हा या अकेला। जिस तरीके से आमतौर पे एक अहम इडियम जो पूछा जाता है वो ये है कि फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक। अभी फेस द म्यूजिक, म्यूजिक का सामना करो, ऐसा नहीं है। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है नताइज का सामना करना, ठीक है, नताइज का सामना करना। अब ये देखें फेस द म्यूजिक, लफ्ज एक है मीनिंग कुछ और दे रहा है। तो ऐसे लफ्ज जो लफ्ज एक हो मीनिंग कुछ और दे तो उसे कहा जाता है इडियम, ठीक है। अभी हम कुछ और भी इडियम्स पढ़ लेते हैं, आम बहुत आम, ठीक है। जैसे आलेयर्स मतलब अटेंटिव, ही इज आलेयर्स, इसका मतलब होता है ये तवज्जा, ये मुतवज्जा है, ही इज आलेयर्स अटेंटिव, ठीक है। अब मैं एक और जुमला कहता हूं, लेंड मी ईयर्स मतलब मुझे अपने कान उधार दो। कान उधार कैसे देगा बंदा, नहीं देगा। तो लेंड मी ईयर्स का मतलब होता है कि मेरी बात सुने, ठीक है, मतलब सुनना, लिसन। तो ये होते हैं बहुत अहम इडियम, और इडियम आपको समझ में आ गया होगा, लफ्ज कुछ और हो और उनका मतलब कुछ और निकालें तो इन्हें कहा जाता है इडियम्स, ठीक है। अभी हम आते हैं प्रोवर्ब। अभी इडियम फ्रेज में क्या था, सिर्फ लफ्ज से, लफ्ज वही मीनिंग दे रहे थे लेकिन पूरा मतलब नहीं दे रहे थे। इडियम में क्या है, लफ्ज हैं लेकिन उनका मतलब कुछ और है तो इन्हें कहा जाता है इडियम। अभी हम आते हैं प्रोवर्ब की तरफ, प्रोवर्ब क्या है। बट प्रोवर्ब भी यही है कि लफ्ज कुछ और होते हैं, उनकी माइनिंग कुछ और निकालते हैं। अरे तो फिर डिफरेंस क्या हुआ सर, इडियम में भी यही है, लफ्ज एक को मीनिंग कुछ और दे, तो प्रोवर्ब में भी यही है, लफ्ज एक को कुछ मीनिंग और दे, तो डिफरेंस क्या है इसमें। अरे सो सॉरी, मैं डिफरेंस बताना तो भूल गया, अभी बताता हूँ डिफरेंस आपको, ठीक है। अभी देखे इडियम में लफ्ज एक मीनिंग कुछ और, अभी आप समझिएगा। एक जुमला मैं प्रोवर्ब का लिखता हूँ, अभी उसमें और उसमें इडियम में डिफरेंस देखिएगा। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि वन मैन कांट सर्व टू मास्टर्स, वन मैन कांट सर्व टू मास्टर्स। अभी अगर इसका मतलब आप ये निकालेंगे कि एक बंदा दो उस्तादों की खिदमत नहीं कर सकता, अरे भाई ये कौन सा कांसेप्ट हुआ, वन मैन कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स। इसका मतलब ये है कि मतलब एक ही वक्त में दो काम नहीं हो सकते। अभी हमें पता चला कि ये लफ्जों का मतलब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, वन मैन के नॉट सर्व टू मास्टर्स, ठीक है। इसका मतलब ये निकलेगा कि एक बंदा दो उस्तादों की खिदमत नहीं कर सकता, लफ्जी मीनिंग, लिटरल मीनिंग ये है। अभी हमने क्या निकाली, इडियोमेटिक मीनिंग निकाली। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या निकाली कि एक बंदा दो काम एक वक्त नहीं कर सकता, ठीक है। अभी इसमें देखें एक जुमला है, एक बंदा दो काम एक वक्त नहीं कर सकता, इसमें हमें नसीहत मिल रही है, नसीहत मिल रही है, हाँ वाकई नसीहत मिल रही है, वाकई ये तो हकीकत है। मतलब ये हुआ कि प्रोवर्ब में हमें क्या बताया जाता है, एक तो ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे प्रोजेनिटर्स ने कहे, मतलब हमारे एंसेस्टर्स ने कहे हैं, ये वो जुमले हैं जो हकीकत पे मबनी होते हैं, मीन्स दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन रियलिटी, जो हकीकत पे मबनी होते हैं। और दूसरी बात, दीज सेंटेंसेज हैव बीन सेड बाय आवर प्रोजेनिटर्स एंड एंसेस्टर्स, ये वो जुमले हैं जो हमारे अबाव अजदाद ने भी ये जुमले कहे हैं, ठीक है। लेकिन इडियम वो नहीं होते। अभी किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना, नसीहत मिली नहीं मिली। लेकिन प्रोवर्ब में देखे वन मैन कांट सर्व टू मास्टर्स, जैसे एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस कहते हैं, जैसे अ फिगर अमंग सिफर्स, मतलब यह हुआ कि अंधों में काना राजा। अभी अगर लफ्जी मीनिंग निकालेंगे तो कुछ और निकलेगी, लेकिन अंधों में काना राजा ये जुमला देखें हमारे अबाव अजदाद ने भी कहा है, ये हम आमतौर पर उससे नसीहत भी मिलती है,
इसका मतलब ये होता है, अब फिगर अमंग सिफर्स का मतलब ये जुमला तब कहा जाता है जब हमारे पास कोई ऐसा इंटेलिजेंट बंदा नहीं हो, और उसमें से फॉर एग्जांपल एक गांव में जाते हैं, एक गांव में छोटा बच्चा रहता है, वो दो क्लास या तीन क्लास पढ़ा हुआ है, ठीक है, दूसरों को कुछ भी नहीं आता, इसको एबीसी आती है, तो जिसको एबीसी आती होगी उसको ज्यादा होशियार समझते होंगे, यहां तुझे एबीसी आती है, तो इसका मतलब क्या है, अंधों में दूसरों को कुछ भी नहीं आता और इसको थोड़ा सा आता है तो वो भी राजा होता है, मतलब ये हुआ कि अंधों में काना राजा, जिसको कुछ भी नहीं आता उसको वहां पे समझा जाता है वो बादशाह है, क्योंकि और जो उससे नीचे होते हैं उनको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अ फिगर अमंग सिफर्स, अंधों में काना राजा। तो ये थे प्रोवर्ब, ये था इडियम, इडियम से हमें हकीकत, इडियम हकीकत नहीं होते, ना ही ये जुमले हमारे आबाओ अजदाद ने कहे हैं, ठीक है, इसके अलावा फ्रेज ये सिर्फ लफ्ज़ों का मजमू होता है जो मतलब देता है, पूरा मतलब नहीं देता। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉय दिस वीडियो, फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो अमंग अदर्स एज ऑल द स्टूडेंट्स कुड मेक द मोस्ट ऑफ दिस वीडियो, ताकि सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।